आपको बता दूं कि इस गोलकुंडा फोर्ट ने दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर भी दिया है। तेरे नाम मूवी देखा होगा, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुआ था। यही था वो पे मार्केट लगता था, वो भी हीरो का मार्केट लगता था यहाँ पे। पर ये सबसे अलग है और ये माना जाता है कि बहुत सारे मेटल से बना हुआ है और ये सोने का भी है। ये यहाँ से गोलकुंडा फोर्ट का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखता है। हाय गाइस, वेलकम बैक। अगर आपको जानना है कि दुनिया का सबसे महंगा हीरा कहाँ से निकला है, कहाँ पाया गया है, तो आपको आना है गोलकुंडा फोर्ट। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ गोलकुंडा। तो आपको कैसे गोलकुंडा आना है और यहाँ के हिस्ट्री के बारे में कैसे जानना है और कैसे घूमना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए मेरे साथ घूमिए गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा, तेलुगु में जिसे गोलकुंडा कहा जाता है, गोलकुंडा के मतलब गोल पहाड़। हैदराबाद शहर से 7 किलोमीटर दूर ये जगह गोलकुंडा नाम पे परिचित है। गोलकुंडा फोर्ट अपने समय की दूसरा सबसे खूबसूरत किला भी माना जाता था। 1143 में काकतीय वंश के राजा इस जगह पे राज करते थे। बाद में 1363 में बहामनी राजा लड़ाई करके इस फोर्ट को जीत लिया था। फिर 1518 में ईरान के कुतुब शाही राजा बहामनी राजा को युद्ध में हरा के गोलकुंडा फोर्ट जीत लिया था। ईरान के कुतुब शाही राजा इस किला को 65 साल में बना के तैयार किया था। फिर 1687 में मुगल राजा औरंगजेब इस किले में हमला बोल दिया था। करीब एक साल की लड़ाई के बाद मुगल राजा औरंगजेब इस किले को भी फतेह कर लिया था। तब से इस किले का नाम रखा गया गोलकुंडा फोर्ट। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं गोलकुंडा फोर्ट। तो गोलकुंडा फोर्ट आने के लिए मैं रैपिडो यूज किया। स्टेशन से आप रैपिडो पे आ सकते हो यहाँ पे, जो कि 60 से 70 रुपए में हो जाता है। और मुझे गोलकुंडा के बाहर छोड़ा रैपिडो ने और अभी मैं आ गया टिकट काउंटर के लिए, टिकट लेने के लिए। टिकट काउंटर आपको गेट से घुसते ही आपको 2 कदम पे मिल जाते हैं। यहाँ पे है टिकट काउंटर, ये देख सकते हो, ये टिकट काउंटर है। और टिकट ले लूँगा पहले, इसके बाद जाऊँगा गोलकुंडा फोर्ट के अंदर। तो चलो टिकट ले लेते। सो गाइस, ये देखो, ये 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। 25 रुपये का टिकट लेके अभी मैं जा रहा हूँ गोलकुंडा फोर्ट के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे टिकट चेकिंग करना पड़ता है। वैसे ये रहा गोलकुंडा फोर्ट का मेन दरवाज़ा, यहाँ से आपको घुसना पड़ता है। तो चलो आज घुसते। ये देखो, यहाँ पे एक भारी भरकम दरवाज़ा दिख रहा है जो कि लोखंड का बना है। ये देखो, ये बहुत भारी है भाई दरवाज़ा। और यहाँ पे सो गाइस, गेट में घुसते ही ना आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलता है जहाँ पे सब लोग ताली बजा रहा है। देखो, सुन सकते हो आप ताली बजा रहे हैं। यहाँ पे ताली बजाने का मतलब, यहाँ पे ताली बजाते तो यहाँ से मैग्नेटिक सिस्टम है, ये कॉल बोला जाता है। पुराने ज़माने में तब कॉल नहीं था, कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तब यहाँ पे ताली बजाता था। तो यहाँ से दूर महल में पता चल जाता राजा को कि कोई आया है, चाहे दुश्मन हो या चाहे दोस्त हो, तो राजा को वहाँ पर पता चलता था। मैं जा रहा हूँ फोर्ट के ऊपर और आपको जो ताली के बारे में बताया था, मैं ताली के बारे में बता देता हूँ आपको। 3 ताली का मतलब दुश्मन, 3 ताली अगर बजाते तो वो राजा जी यहीं से चला जाता था। यहाँ से एक दरवाज़ा है जो वो चार मीनार की ऊपर से निकलते तो वहाँ से चला जाता था। 2 ताली के मतलब दोस्त है और 1 ताली का मतलब मेहमान है। तो गाइस, अभी जो जगह दिखा रहा हूँ मैं आपको, कहा जाता है कि पुराने ज़माने में इस जगह पर मार्केट लगता था, वो भी हीरो का मार्केट लगता था। यहाँ पर देश की तमाम जगहों से आते थे लोग और यहाँ से हीरा खरीद के लेके जाता था। ये देखिए इस जगह को। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ गोलकुंडा फोर्ट के ऊपर। आपको गोलकुंडा के बारे में बता देता हूँ एक बार कि दुनिया का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर यहीं से निकला था, गोलकुंडा से। अगर आप गोलकुंडा फोर्ट को अच्छा से जानना चाहते हो, अच्छा से समझना चाहते हो, तो आपको यहाँ से गेट से टूर गाइड मिल जाते जो कि 700 से 750 रुपये लेते, आपको पूरा घुमा देते और फुल इन्फॉर्मेशन दे देते। उसे आप हायर कर सकते हो और फुल गोलकुंडा फोर्ट के बारे में जान सकते हो। इसके अलावा मैं अभी आपको बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको बता दूंगा, आप मेरा वीडियो देख के भी आप घूम सकते हो। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ गोलकुंडा फोर्ट के ऊपर। ये देखो गोलकुंडा फोर्ट कितने पुराने, ये दीवार वगैरह कितना समझ सकते हो आप, पूरा पत्थर को काट के बनाया गया। और यहाँ पे, अरे वाह, यहाँ पे लोग अपने नाम लिख के चले जाते हैं। ये हिस्ट्रिकल है ये गोलकुंडा फोर्ट, आपको तो पता ही है यार। ये देखिए ऊपर,
ये देखो, और यहाँ पे लोग अपना नाम भी हिस्ट्री में लिखा देते हैं, मतलब दीवार पे लिख के चला जाते हैं। वाह वेरी गुड। सुबह से अभी मैं हूँ गोलकुंडा की ऊपरी हिस्सा में, जहाँ पे आपको एक मंदिर मिल जाते हैं, ये देखिए मंदिर। यहाँ पे पूजा पार्वण किया जाता है और यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा है, आप देख सकते हो। और फेस्टिवल में आपको ये पोंगल फेस्टिवल बोलते हैं चल रहा है, जो कि मंदिर में मंदिर सब लोग आते हैं, श्री से आके यहाँ पे पूजा देते हैं। तो गाइस गोलकुंडा में ये तोप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे तोप है, 4 तोप है टोटल। ये सबसे अलग है और ये माना जाता है कि बहुत सारा मेटल से बना हुआ है, और ये सोने का भी है। ये देखिए सोने से भी बना हुआ है, ये देखिए सोने का पिक है। और ये किसी ने तोड़ भी दिया, ये देखो तोड़ के शायद ले जाने की कोशिश की। ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ से गोलकुंडा फोर्ट का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखता है। यहाँ पे 4 तोप बना हुआ है, जो कि 500 साल पहले जो राजा महाराजा होते थे ये यूज़ करते थे। और यहाँ पे बहुत सारा आपको दीवार के अंदर खिड़की जैसा दिखता है, यहाँ पे पहरादार हुआ करता था। और ये देखिए ये साइड भी है, ये साइड कुछ भुलभुलैया टाइप का बनाया गया। तो चलो अब इसका अंदर देखते क्या है। तो वैसे अभी जिस सिटी में से मैं जा रहा हूँ, ये माना जाता है यहाँ की भुलभुलैया। यहाँ पे आके जो दुश्मन सैनिक होता है यहाँ पे अपना रास्ता खो जाते हैं और यहीं पे भटक जाते। और यहाँ पे खुला दिख रहा है, यहाँ पे गरम गरम तेल ये सब डाला जाता था और यहीं पे दुश्मन की जो सेना होता है दम तोड़ देते। तो गाइस ये वो गोलकुंडा का वो जगह जहाँ पे रानियाँ डांस करते थे और राजा लोग यहाँ पे बैठ के दिखा करता था। और ये जगह आज भी रात को लाइट शो होता है, यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे लाइट शो होता है और ये गोलकुंडा की जो हिस्ट्री है वो दिखाया जाता है। और लाइट शो की टिकट आपको ऑनलाइन पे भी और ऑफलाइन पे भी मिल जाता है। यहाँ पे ये देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पुराने ज़माने में ऐसा महल हुआ करता था ये। तो मैं सबको बता दूँ गोलकुंडा फोर्ट उस टाइम का सबसे खूबसूरत के साथ साथ सबसे कीमती महल भी था, क्योंकि इसी जगह से कोहिनूर हीरा मिला था। और आप देख सकते हो अभी इस जगह का हालत क्या है, ऐसे खंडर जैसा दिखता है अभी। और लेकिन उस टाइम ये महल कितनी खूबसूरत होता होगा आप समझ जाइए। और यहाँ से आपको ऊपर भी जाने को मिलता है, ये ऊपर जा सकते हो आप, ऊपर में आपको मस्जिद मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा। हालांकि अभी कोम्बोल चल रहा है, कोम्बोल या कोम्बोल कुछ तो है चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, तो सब लोग पूजा कर रहे हैं ऊपर, तो ये सीन भी बहुत खूबसूरत है। सुबह से ये कुआं है, ये देख सकते हो आप, इस टाइम भर चुका है, अभी भर चुका है, लेकिन उस टाइम देखिए इतनी बड़ी कुआं था ये कि सीढ़ी लगाया गया है, यहाँ से नीचे उतर के पानी लिया जाता था। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सुरंग हैं, माना जाता है कि ये एक ऐसा सुरंग है, कहीं तो है ऐसा एक सुरंग जो चार मीनार को जोड़ते। जब राजा जी मुसीबत में होते थे, कोई आक्रमण करते थे, तो ऐसी एक टनल होता है जो चार मीनार को जाके पहुँचते, तो राजा जी यहाँ से निकल के चार मीनार पहुँच जाते थे और वहाँ से भाग जाते थे। बस अभी मैं हूँ गोलकुंडा फोर्ट के बीचों बीच में, मतलब बीचों बीच ऐसा एरिया जहाँ पर पूरा गोलकुंडा फोर्ट दिखता है। तो ये देखो पूरा गोलकुंडा फोर्ट यहाँ से दिखता है, पूरा चारों तरफ का नज़ारा। और ये गार्डन है, गोलकुंडा फोर्ट का गार्डन है, जो कि बहुत खूबसूरत है, हरा भरा है, आप देख सकते हो। ऊपर जो दिख रहा है ना, ऊपर एक मंदिर है, माता देवी का मंदिर है, और एक मस्जिद भी है, वहाँ पे जा सकते हो और आप वहाँ पे जाके मंदिर का दर्शन कर सकते हो। तेरे नाम मूवी का शूटिंग आप लोग ने शायद देखा होगा, तेरे नाम मूवी देखा होगा, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुआ था। यही था वो पागल जेल है, जेल जहाँ पे सलमान खान पागल बन के घूम रहा था और यहाँ पे बंदी था। तो चलो ले जाते हैं अभी वहाँ पे। तो वैसे आप इस जगह को देख के पहचान सकते हो, यही वो जगह है जहाँ पे तेरे नाम का शूटिंग हुआ था, सलमान खान का तेरे नाम यहीं पे शूटिंग हुआ था और यहाँ पे सलमान खान पागल जैसा घूम रहा था। यही है वो जगह, आप देख सकते हो
ये गोलकुंडा फोर्ट में है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले, एक कॉमेंट भी कर दीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए चलते, जय हिंद, वंदे मातरम।